अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Xiaomi 12। और आप में से कई लोगों का कमेंट ये आया कि भाई स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 पे आप गेम खेल करके दिखाओ कि किस तरह का हमारा ये गेमिंग एक्सपीरियंस रह रहा है, क्या ये हीट हो रहा है, कितनी ज़्यादा बैटरी खा रही है, हर एक चीज़। तो अभी जो ये 99% बैटरी चार्ज पे है, तो मैंने इसे 100% तक चार्ज किया था, लेकिन 1% ऑलरेडी नीचे आ चुका है थोड़ा देर मैंने इसे इस्तेमाल किया तो। लेकिन आखिर ये गेम कैसा चला रहा है, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। जैसे कि दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है, इसका जो Antutu स्कोर है वो मैंने परफॉर्मेंस मोड में चेक किया था, तो परफॉर्मेंस मोड में जो इसका Antutu आया वो 987,000 के आसपास आया, मतलब कि 1,000,000 के आसपास आ जा रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। CPU स्कोर आप देख सकते हैं 219,000 एंड GPU तो भाई 427,000, बिल्कुल ही फाड़ है दोस्तों। लेकिन मैं जो अभी गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ वो मैं सबसे पहले यहाँ पे बैटरी बैलेंस्ड मोड में करूँगा, जो कि आप नॉर्मल यूज़र रखते हैं। बहुत सारे यूज़र हो सकता है कि परफॉर्मेंस मोड पे स्विच भी ना करेंगे, एंड बाद में गेम के बीच में जब हम लोग एक गेम प्ले टेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग इसे परफॉर्मेंस मोड पर सेट कर देंगे एंड फिर देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर आता है। यहाँ पर Antutu में हमें बैटरी टेम्परेचर और CPU टेम्परेचर दोनों ही शो करता है। तो अभी CPU टेम्परेचर 34 डिग्री सी है एंड 27.6 डिग्री सी है दोस्तों बैटरी टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट BGMI। जी हाँ, गेम प्ले के लिए तो हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, और सभी गेम्स तो भाई जैसे कि और कोई खेलता ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही दिनों के बाद BGMI वापस आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि भाई ये बहुत सारे नए नए नियम आ गए हैं। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग एक अरीना गेम से, एंड इस डिवाइस पे मेरा ये पहला अरीना गेम है तो मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग के बारे में बता दूं, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो आपको सेटिंग मिलता है ग्राफिक्स में वो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक मिलता है, लेकिन आप HDR प्लस एक्सट्रीम में भी खेल सकते हैं, एंड इसमें आप अल्ट्रा HD में भी, अच्छा गेम के बीच में अल्ट्रा HD में नहीं जा सकता, लॉबी में जाऊंगा तब जाऊंगा। तो हम एक काम करेंगे, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में तो जानते हैं सभी कि अच्छा चलेगा, तो क्यों ना पूरा HDR एक्सट्रीम में हम लोग टेस्ट करते हैं कि कैसा चलता है। तो ये दोस्तों FPS तो 60 का ही मिल रहा है, क्योंकि 120 FPS या 90 FPS इसमें अनलॉक नहीं आ रहा है, बट 60 FPS में क्या ही मतलब स्मूथनेस है दोस्तों, वो भी HDR एक्सट्रीम में। अभी प्रैक्टिस, ओह नो प्रैक्टिस, और मैंने कोई भी ईयरफोन लगाया हुआ नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखें गेम प्ले को जज करने से पहले। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि एक TDM गेम जो कि 5 मिनट तक चले, उसके बाद हमारा जो बैटरी टेम्परेचर है दोस्तों वो लगभग 33 डिग्री सी तक है, बहुत ही नॉर्मल है। CPU टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, तो बहुत ही सही है दोस्तों, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड ये गेम दोस्तों मतलब बिल्कुल ही अच्छे से चली, कोई लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं, तो भाई गेम खेलने में तो मज़ा ही आ गया। लेकिन अब चलो हम लोग इसे जो है स्विच करते हैं सेटिंग्स में जा करके, एंड अभी जो हम लोग ग्राफिक्स को सेट करेंगे दोस्तों अल्ट्रा HD पे, क्योंकि भाई अल्ट्रा HD आप जानते हो ना एकदम से 4K में दिखाता है, तो अल्ट्रा HD में हमें यहाँ पे अल्ट्रा का मिलता है, पूरा एक्सट्रीम का नहीं मिलता FPS, यानी कि 40-45 FPS के आसपास हमारे पास ये गेम रहने वाला है। सो लेट्स प्ले एंड उसके बाद देखते हैं कि कैसा हमारा अल्ट्रा HD में क्वालिटी आता है। M24 लाएगा, M24 लाएगा बच्चा। नूब, पंद्रह किल, क्या बात क्या बात क्या बात। सो
सो गाइज ये जो गेम है ये लगभग 7 मिनटों तक चली और इसमें जो बैटरी टेम्परेचर है वो 35°C है। CPU टेम्परेचर तो दिखा रहा है 46°C, बट कुछ भी गर्म फील उतना नहीं हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली है। तो आई थिंक अनटूटू की रीडिंग देखो अभी अचानक से 43°C पे आ गई, तो क्वाइट अंडर टेम्परेचर जो है काफ़ी कंट्रोल में है। एंड यहाँ पे हमने देखा आपने जैसा कि दोस्तों अभी हमने गेम खेला जो ये है HDR अल्ट्रा HD में खेला था हमने, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। एंड जो बैटरी है वो लगभग 3% डाउन हुई है, तो काफ़ी सही है दोस्तों, बैटरी भी सही रह रहा है, बैटरी टेम्परेचर भी सही रह रहा है, एंड ओवरऑल TDM का गेम प्ले तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्या होगा जब हम लोग नॉर्मल गेम प्ले करेंगे, तो मैं अभी HDR प्लस एक्सट्रीम में यहाँ पे इरेंगल खेलने वाला हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ इरेंगल में एक काम करते हैं एंटी अलियासिंग भी ऑन कर लेते हैं जिससे क्वालिटी हमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ग्राफिक्स में जा करके HDR एक्सट्रीम एंड एंटी अलियासिंग 4x तो आया नहीं है, 2x पे कर लेते हैं। शेडोज भी इनेबल्ड ही है, ब्राइटनेस भी ठीक है, ओके एंड अप्लाई करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट एक इरेंगल गेम और देखते हैं कि कैसा हमारा ये एक्सपीरियंस रहता है। मुझे कौन मारा भाई इसको, मार दिया कोनो। नॉक तो हुआ है, तो ये इसको दबाइए। और के कहीं भी चढ़ जाएगा, चढ़ाइए। सही है, किस काम के स्पाइडरमैन भाई, जब ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। स्पाइडरमैन नाम रख ले भाई, तो स्पाइडरमैन क्यों नाम रखा। स्पाइडरमैन रिकॉल हो जाएगा। ये जा रहे मरे गए। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये जो गेम है क्लासिक ख़त्म हो गया और जो टोटल अभी तक हमने गेम प्ले किया है वो किया है 40 मिनट का, और 40 मिनट में अभी जो है हमारा जो बैटरी है वो 82% पे है, यानी कि 18% बैटरी ख़त्म हुई है क्योंकि हमने HDR प्लस एक्सट्रीम में यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो हमारा दोस्तों टेम्परेचर है वो अभी CPU 41°C, बैटरी 35°C, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल में है। हाँ, ये कोई हाई टीयर का गेमिंग नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भी पबजी नहीं खेल रहा हूँ, बट स्टिल दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो चिपसेट है कितना ज़्यादा पावरफुल है कि एक बार भी लैग नहीं, स्टटर नहीं इवन इन दोस्तों HDR प्लस स्ट्रीम। तो ये गेम प्ले तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा। अब एक छोटा सा दोस्तों मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा, एंड वो टेस्ट ये है कि मैं एक TDM मैच खेलूँगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो TDM मैच में मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ
जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ स्टेडियम मैच में। एंड ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों, ये 2400x1080 यानी फुल एचडी में होगी। फ्रेम रेट में 90fps का रखूँगा। चलो मैं 90fps रखता हूँ। यहाँ पे साउंड सोर्स सिस्टम साउंड कर देता हूँ। एंड वीडियो क्वालिटी 16mbps नहीं दोस्तों, 32mbps करते हैं, ताकि काफ़ी हाई क्वालिटी में यहाँ पे हमारा जो है वीडियो रिकॉर्ड हो। तो अब यहाँ पे गेम खेलते हुए एक स्टेडियम मैच में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि कैसा जो है यहाँ पे आता है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग। बस 5 मिनट की बात है दोस्तों, एंड देखता हूँ कि हमारा जो गेम प्ले है कैसा है इन HDR प्लस एक्सट्रीम। अदा मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा, फ्रेम रेट बहुत ही सही है दोस्तों, और मैंने 32 Mbps किया हुआ है। मतलब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को 32 Mbps का बिट रेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे आपका 16 से 20 Mbps काफ़ी होता है, बट मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे 32 Mbps किया है। सो अरे ये कहाँ से पड़ रहा है भाई मेरे को? ओके गाइज, हल्का फुल्का मैं स्टटर अब देख सकता हूँ यहाँ पे। आई थिंक कि 32 Mbps थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बिकॉज मैं हल्का फुल्का स्टटर देख सकता हूँ। बट स्टिल परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद काफ़ी बेटर चल रहा है पहले से। ओके दोस्तों, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, 32 Mbps इज ए लॉट ज़्यादा दोस्तों। 24 Mbps काफ़ी रहेगा अगर हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। लेट्स स्टार्ट 24 Mbps। अरे मेरा ही टीममेट हमको मार दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, 24 Mbps में पहले से काफ़ी बेटर हो रहा रिकॉर्ड, और इसमें मुझे ज़्यादा स्टटर नज़र नहीं आ रहे हैं। कितना हल्ला हो रहा है। कितना ग्रेनेड मार मार के सब परेशान किया। ओहो भाई, मानना पड़ेगा पबजी को भी 24 Mbps में भी स्टटर करवा दिया इस चिपसेट को, लेकिन यह HDR प्लस एक्सट्रीम में स्टटर तो आई थिंक ही होना लाजमी है। सो गाइज, आई थिंक अब यहाँ पे फिनिश हो चुका है। एंड जी हाँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त अगर मैं फुल HD में 90fps में स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ, तो जी हाँ स्टटर नज़र आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा CPU पे प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, एंड बिटरेट को 16 Mbps तक रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको जो है बेस्ट मिलेगा। एंड 90fps की जगह अगर आप 60fps में रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट गेम प्ले यहाँ पे मिलेगा। तो 90fps में रिकॉर्ड ना करें। बाकी यहाँ पे 79% जो है यहाँ पे बैटरी, यानी कि 21% ख़त्म हुई है, एंड हमारा टोटल गेम प्ले 50 मिनट के आसपास हुआ है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 घंटे आप आराम से पबजी यहाँ पे खेल सकते हो, अगर आप HDR एक्सट्रीम में भी खेलो। एंड आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जो बैटरी है दोस्तों, आप ये देख सकते हो, अभी भी CPU 41°C है, बैटरी 35°C है, तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं। तो मैं कहूँगा जी हाँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इज़ कतई जहर दोस्तों, काफ़ी कमाल का है। एंड ये डिवाइस जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मतलब चल रहा है दोस्तों, पबजी वगैरह को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो गेम प्ले में मेरा ये जो डिवाइस है A+ का रहा। एंड जहाँ तक आपको अगर टेंशन था हीटिंग वगैरह का, भाई थर्मल टेस्ट वगैरह चलो मानता हूँ होता है, एंड उससे आपको फ़र्क पड़ता है, बट ऐसे डे टू डे गेमिंग में दोस्तों मुझे कोई भी ज़्यादा यूजुअल कोई इशू नज़र नहीं आया। एंड काफ़ी तगड़ा लगा, काफ़ी पावरफुल लगा, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है आपको थर्मल टेस्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करने की। आई थिंक कि गेम प्ले ही आपको सब कुछ बता देगा। तब तक के लिए दोस्तों आज का वीडियो शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक से कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। बाय बाय, जय हिंद।